La 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 la. कितनी आलसी हो गई हो. तुम मुझसे क्या चाहती हो? यहाँ क्यों आई हो? मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें ये दे दूँ. ये क्या? अब इसका इस्तेमाल कैसे करूं? मैं अपने सब दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे. भीम, मैं आ रहा हूँ. Abracadabra! 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 कालिया बहुत बड़ा बुद्धू है. बुद्धू, बोर और बड़े मुंह वाला. मुझे लगता है भीम अच्छा है. क्या हम चुटकी के पास जाकर कुछ लड्डू मांग ले? मुझे यकीन है वो. वो क्या? बुद्धू? वो तो कालिया की आवाज थी, पर वो है कहाँ? मुझे डर लग रहा है. बुद्धू? अच्छा, तो तुम लोग ये बातें करते हो मेरे बारे में मेरी पीठ पीछे. ठीक है, मैं आज तुम्हें पीटूंगा नहीं. आज तो मैं भीम और उसके दोस्तों को कुछ नए तरह के खेल सिखाने के मूड में हूँ. कालिया, हमें भी ये छड़ी चलाने दो ना. हम भी तुम्हारे साथ आकर मजा देखना चाहते हैं. बहुत अच्छे दोस्त हो तुम मेरे. एक तरफ तो तुम लोग चुटकी और भीम के गुणगान कर रहे थे, और अब कहते हो कि मेरे साथ आना चाहते हो. तुम यहीं रुकोगे मेरे प्यारे भोलू और ढोलू, और वहाँ जो मजा होगा उसे सुनोगे. अब तुम्हारी बारी है मेरे प्यारे दोस्त. कालिया, मैं तुम्हें देख लूंगा. मैं ताकतवर हो गया हूँ. ताकतवर. Thank you.
हम सबके मटके अचानक टूट गए और हमने किसी को ऊपर जाते हुए सुना। वो दिखाई दिया नहीं, दरअसल हम उसे देख नहीं पाए। ऐसा लगा कि वो कालिया की आवाज थी। उसके पास एक जादुई छड़ी आ गई है। जादू की छड़ी? क्या हुआ मेरे बच्चों? जादुई छड़ी, उड़ता हुआ लड़का, यही कहा ना तुमने? इस लड़के का नाम क्या है जिसकी तुम बात कर रहे हो, जरा फिर से बताओ। कालिया। बेचारा बुद्धू कालिया। मैं जब अपना हाथ उठाऊं, तब तुम सब रस्सी को इस तरफ खींचना। खींचो। तुम्हें लगता है तुम मुझे नीचे खींच सकते हो? खींचो, और जोर से खींचो। खींचो खींचो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और ऊपर और ऊपर। क्या वो लड़का कालिया था? हाँ वही है, पूरे ढोलकपुर को परेशान करने वाला। मेरा नाम भीम है। वो कहाँ गई? शुक्र है भगवान का, तुम रुक तो गई। मेरे प्यारे बच्चे कालिया, तुम बहुत मजे ले चुके। ये छड़ी मेरी है। और अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो इससे दूर रहो। जिस आदमी के पास छड़ी हो उसके साथ बिना लड़े और हराए मैं छड़ी नहीं ले सकती, नहीं तो छड़ी का जादू खत्म हो जाएगा। क्या चाहती हो तुम? छड़ी छोड़ और अपने रास्ते चलता जा। देख कालिया, अगर तू इसे छोड़ देगा तो ये वापस मेरे पास आ जाएगी, और अगर नहीं तो भी छड़ी को मैं हासिल कर ही लूंगी। पर इस सब में तुझे बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचेगी, तो तू देखकर प्यारे कालिया। प्यारी जादूगरनी, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुमने कहा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू छोटा सा छोकरा। कुछ लोग कभी नहीं सीखते हैं, है ना?
तूने कालिया को देखा है? हमें वो कहीं भी नहीं मिल रहा है। वो तो अपनी जादुई छड़ी चलाकर मजे कर रहा होगा। हमने उसे बहुत ढूंढा। मुझे लगता है उसके साथ कुछ हादसा हुआ है। ओह ठीक है, हम उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अब मैं कालिया को और नहीं ढूंढूंगा। और मैं भी नहीं। और मैं भी नहीं। ठीक है, मैं ढूंढ सकता हूँ और ढूंढूंगा। बेशक कालिया एक बुरा लड़का है, पर यह हमारा फर्ज है कि हम उसकी मदद करें। चलो। जादुई गोले से देख रही थी और तुम्हारी जिम्मेदारी की भावना देखकर मैं बहुत खुश हुई। मुझे लगता है कि मैं उस बुद्धू लड़के कालिया को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कालिया, मुझे लगा ही था तुम्हारा कालिया अंधेर नगरी में कैद है। मेरी ताकत उसके हाथ पर खत्म हो जाती है। ओ बेचारा कालिया। बेचारा बुद्धू कालिया। ठीक ही हो रहा है उसके साथ। बस मैं ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करूँगा। हमें कालिया को ढूंढने में मदद करनी चाहिए और हम करेंगे। बहुत अच्छे भीम, मैं तुम्हारी वहाँ जल्दी पहुँचने में मदद करूँगी। वहाँ पहुँचने में ये तुम्हारी मदद करेगी, पर होशियार रहना। एक आंख वाला राक्षस शहर के दरवाजे पर पहरा दे रहा होगा। अगर तुम उससे लड़ो तो याद रखना, जब तक उसकी आंख खुली रहेगी उसे कोई नहीं हरा सकता। और हाँ, जादू करने की ताकत भी उसकी छड़ी में है। को बेकार करने के लिए तुम्हें उसकी छड़ी को चलाना होगा। आपकी मदद का शुक्रिया। शुक्रिया। सोते रहते हैं। हमारा दोस्त यहाँ कैद है, कृपया आप हमें अंदर जाने दें। ओह, तुम अंदर जाना चाहते हो तो पहले मुझसे लड़ो और मुझे हराओ। जादूगरनी ने कहा था।
राक्षस है क्या जगह है? चलो हम अंदर चलें। सबसे पहले हमें उस जादूगरनी को हराना होगा, तभी हम कालिया को यहाँ से लेके जा सकते हैं। रुको, बच्चों तुम अंदर कैसे चले आए? मेरे पहरेदार को क्या हुआ? क्या चाहते हो तुम लोग? हम यहाँ कालिया को बचाने आए हैं। तुम्हारा पहरेदार गहरी नींद में सो रहा है। तुम लोग भी उस लड़के कालिया की तरह बुद्धू लगते हो। मेरे पास 94 कैदी थे, पर अब 6 और आ गए। आधी रात को आज ही मैं हमेशा के लिए सला दूंगी तुम सबको। भागो! हम भाग नहीं सकते, ये जादूगरनी बहुत ही शक्तिशाली और साहसी है, इसे हराया नहीं जा सकता। तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है? वो बर्तन कैसा है? ये तो बहुत उबल रहा है। बहादुर लड़के हो, मैं तुम्हारी चतुराई से बहुत खुश हूँ। तुम मुझे मेरी छड़ी के टूटे हुए टुकड़े दे दो और इनाम के तौर पर मैं तुम्हारे दोस्त कालिया को छोड़ दूंगी। शुक्रिया जादूगरनी, पर मुझे लगता है बर्तन के नीचे जलती हुई आग को कुछ और लकड़ियों की जरूरत है। रुको, कृपा कर रुक जाओ। मैं अपने बर्ताव पर शर्मिंदा हूँ। चलो वापस ढोलकपुर उड़ चले।